थाना दक्षिण क्षेत्र में लव जिहाद मामले की चर्चाओं को लेकर सीओ सिटी कमलेश कुमार ने मीडिया को दी जानकारी, बताया तहरीर पर पका लटका। फिरोजाबाद थाना दक्षिण क्षेत्र में लव जिहाद मामले की चर्चाओं को लेकर सीओ सिटी कमलेश कुमार ने मीडिया से बात कर पूरी विस्तृत जानकारी दी और बताया कि लड़की की तहरीर के आधार पर लड़के को पकड़ लिया गया है। उन्होंने बताया कि पीआरवी को सूचना मिली कि थाना दक्षिण क्षेत्र में एक लड़की ने सूचना दी उसका पति उसके संग मारपीट कर रहा है। थाना दक्षिण क्षेत्र का है, इस सूचना पर पुलिस पहुंची, पूरी जानकारी की, जिसमें लड़का दूसरे धर्म का व लड़की दूसरे धर्म की निकली। 6 माह पूर्व एक मादौला आगरा में गुमशुदगी की रिपोर्ट लड़की की लिखी गई। वहां जब लड़की बरामद हुई बालिग थी, उसने लड़के के साथ जाना स्वीकार किया। वहां पर जीडी तस्करा है जिसके आधार पर लड़का लड़की चले गए, वहां शादी कर ली, उसके बाद वहां से यहां रह रहे थे। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र में जो मामला हुआ उसमें लड़की की तहरीर प्राप्त हो गई है, लड़के को पकड़ लिया गया है। जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। घटना क्या हुई थी आपके साथ? मुझे मारा था इन्होंने मुझे। अपने दोस्तों के चक्कर में, दोस्त घर पे आते थे तो मुझे नोच देते, काट खा देते। एक दिन तो मतलब मेरे ऊपर लेटे थे तो मैंने थप्पड़ पर मार के उनका हाथ भी काट दिया था, जबरदस्ती कर रहे थे। तो कैसे हम ले कैसे गए थे तुम्हें कैसे लेके गए थे, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मम्मी ने मुझे डांटा था तो मैं डर गई थी, तो इस चक्कर में मैं इनके साथ आ गई थी रात में। मेरी एक फ्रेंड थी नेहा नाम की, वो भी मोहम्मदन है, इनकी बहन की लड़की है वो। तो वो उसने मेरी मतलब इनसे बातचीत करवाई थी, इनका नाम है अरमान, उनसे मेरी मतलब बातचीत करवाई थी। तो फिर ये मेरे घर पे कॉल करने लगे, मैंने डर के मारे अपने घर वालों को कुछ बताया नहीं, क्योंकि मेरी दीदी थी वो भी एक्सपायर हो चुकी है इसी चक्कर में। तो इस चक्कर में मैंने घर वालों को कुछ नहीं बताया, डेली कॉल करता था, मैंने डर के मारे कुछ बताती नहीं थी। मेरी बातचीत होने लगी, मतलब फ्रेंडशिप हो गई उस लड़के से। तो फिर मतलब मम्मी ने मुझे एक दिन मारा आ रहा डांटा था, तो मैं गुस्से में घर से निकल आई थी, तो ये मुझे यहाँ पे ले आए। क्या करता था तुम्हें, डराता था, धमकाता था? डराया धमकाया नहीं, मतलब मुझे यहाँ पे ले आए, यहाँ पे ले आके 2-3 दिन सही रहे थे। फिर मुझे मारते थे दोस्तों के चक्कर में, दोस्त आते थे घर पे, नोचते थे मुझे, काट भी खाते थे, जबरदस्ती करते थे। तो एक दिन है ना, ये घर पे नहीं थे तो वो पीछे से आए, तो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, तो मैंने उनका हाथ काट दिया गुस्से में। यार मन कहाँ का रहने वाला है? फरोजाबाद का। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर मुझे 2-3 दिन पहले भी मारा था, तो मैंने गुस्से में अपना हाथ काट लिया और फिर आज मारा था मुझे। आप किसके सहयोग से यहाँ पे थाने में कैसे आई है, निकल के कैसे आई? हिंदू धर्म मंच के, वो निकाल के लाए थे। हाँ। उनको कैसे संपर्क किया आपने? जो मेरे मकान मालिक हैं उन्होंने किया था, फिर वो मुझे यहाँ पे ले आए थे। अब आप क्या चाहती हो? मैं अपने घर जाना चाहती हूँ अपनी मम्मी के साथ। जिस आप चाहती हो क्या कार्रवाई चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि मुझे इससे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और मुझे इंसाफ मिले, क्योंकि कोई और लड़की, कोई हिंदू धर्म की लड़की ऐसे लड़के के झांसे में ना आए जो मोहम्मदन हो। जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, बस।